अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेता थे, सब बीजेपी ले रही है, वॉशिंग मशीन बनके उनको धुलाई कर रही है। कोई भी विपक्ष का नेता ना बचे, सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, जेल में डाल देंगे। ये लोग पूछो ना, 13 रुपए की चीनी कब दे रहे हैं ये लोग? अगर इतना दम था तो पहले ही घोषित कर देते ना, छुप कर क्यों आ रहे हैं? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर खड़ी रहती थी, अब 1100 में हो गया है, अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पर्चा देरी से भरने का कारण मोदी है। आपसे हम पूछ रहे हैं, 13 रुपए चीनी बोल के गई थी, 13 रुपए में चीनी दी है, आप बताइए तब फिर कैसे हम माने? कांग्रेस लूटने को नहीं पा रही, इसलिए परेशान है, क्योंकि इतना दिन बहुत लूटा, देश को बर्बाद कर दिया। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम अमेठी में मौजूद हैं और अमेठी में चुनाव की सरगर्मियाँ काफी तेज हैं। लोग जो है वो माला वाला लेके खड़े हैं, लग रहा है स्मृति जी का काफिला आने वाला है। हाँ, आने वाला है काफिला, आने वाला है। अभी तो गुजरी है, वो कौन थी? वो तो राजे मसाब पंचायत अध्यक्ष आ रही है, क्रॉस कर गई है। अच्छा, आ रही है। हाँ, आ गई। अच्छा, तो चलिए हम जो है वो स्मृति जी के काफिले के एकदम ठीक पहले पहुँचे हैं, शायद उनके दर्शन भी हों और सवाल भी हो पाए, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनके स्वागत में खड़े हैं। हम लोग रास्ते में केवल माल्यार्पण करेंगे, स्वागत करेंगे, उसके बाद बारामासी पे माल्यार्पण, रास्ते में स्वागत है। फिर एक गोसाई बाबा हैं, उनके यहाँ है। फिर रणबीर नगर में इनका पहला कार्यक्रम है, जहाँ पे एक नुक्कड़ सभा टाइप की होगी, तो वहाँ पे लोग काफी इकट्ठा हैं। पैदल चलेंगे क्या? नहीं, यहाँ से पैदल नहीं चलेंगे। नहीं नहीं, वहाँ नुक्कड़ जहाँ पे है, नुक्कड़ सभा है, वहाँ पैदल नहीं चलना है। एक कार्यक्रम स्थल है, उस जगह पर अपना उद्बोधन करेंगी, वहाँ पे लोग इकट्ठा है। हाँ। रणबीर नगर ग्राम पंचायत जंगल ग्राम। काफिला गया वो कौन था? अभी जो काफिला गया, नहीं वो तो मेरे साथ राजेश मसाला जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। अच्छा। राजेश कुमार अग्रहरी जी। हाँ। वो जा रहे थे। अच्छा। तो बस आ रहे। हाँ मैडम आ रही, बस स्मृति ईरानी जी आ रही। कितना जोश है भैया? बहुत तगड़ा यहाँ अमेठी में जोश है। जोश है। हाँ। लोग कह रहे हैं अमेठी तो जो है वो कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का गढ़ नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई है, जीरो जीरो पॉइंट। 60 साल में नहीं हुआ, यहाँ विकास वो 10 साल में हुआ है। वो विकास इधर से देखिए उधर तक ये झलक रहा है, ये सब स्मृति ईरानी की। ये टिन सेट, टिन सेट नहीं, आगे देखिए आप, आगे देखिए टिन सेट नहीं, ये तो यहाँ तो गरीब लोग बैठ करके कि ये देखिए, तो हम कह रहे हैं ये हाथ उठाया तो पीछे जो है यहाँ 200 मीटर दक्षिण तरफ अपनी निगाह को दौड़ाइए तो 1 अरब की योजना, केंद्रीय विद्यालय और मृदा परीक्षण केंद्र बना हुआ है, बाईपास, ओवर ब्रिज, मेडिकल कॉलेज, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है जो अमेठी संसदीय क्षेत्र में 10 साल में ना हो गया हो। इसके पहले अगर किसी मरीज का हार्ट अटैक होता तो सीधा 130 किलोमीटर लखनऊ और 100 किलोमीटर राहुल जी पर्चा भर दे अमेठी से जी, को काफी दिक्कत आ सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है। आप अच्छी तरह से जान लीजिए, राहुल जी जब चुनाव जीतते थे तब भी यहाँ नहीं आते थे, चुनाव हारे तब भी नहीं आए। राहुल गांधी से उनको चुनाव अगर लड़ जाते यहाँ, तब एहसास हो जाएगा कि वास्तव में अमेठी की जनता क्या करने जा रही है। लग तो रहा है वही लड़ेंगे। एक पैसा का काम नहीं किया, इनका पैसा भी नहीं खर्चा किया। यहाँ आ गए तो गर्दा हो जाएंगी। हाँ। 4 वोट भी नहीं पाएंगे। मैडम जी, हम ये कह रहे हैं बीजेपी वाले 5 काम बता दें अमेठी में, बीजेपी वाले से मैं यही कहूँगा कि 5 काम बता दें इसी समय 5 काम बताए। जहाँ पे आप खड़े हैं, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जिले का ये सबसे बड़ा है, सुनिए, इसी जगह पे ठीक इसके बगल केंद्रीय विद्यालय, इतना बड़ा 26 करोड़ रुपए का यहाँ पे स्थापित हुआ है। जहाँ आप खड़ी हैं ठीक आगे बाईपास बना हुआ है, जहाँ पर लोग यहाँ इकट्ठा होकर के धान रोपाई करते थे और नेतागिरी दिखाते थे कि यहाँ पर काम नहीं हुआ है। आज बाईपास आप देख लीजिए, इसी अमेठी में जो ओवरब्रिज बना हुआ है रेलवे लाइन पे, जहाँ पे बहुत दिनों तक लोग लगे रहे, कभी नहीं बना वो ओवरब्रिज। जो अभी कुछ देर पहले किसी ने कहा कि वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती थी, अगर किसी का डिलीवरी केस होता था तो एक घटना वहाँ पर रेलवे गेट बंद था। पास कभी नहीं हुआ था, पास हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी यहाँ 10 साल तक रहे, ये कांग्रेस बता रहे हैं कांग्रेस की देन है ओवर ब्रिज। काफिला वही पे नहीं है, ओवर ब्रिज कांग्रेस की देन है। घुमाइए घुमाइए, स्मृति जी का जो है वो काफिला जो है वो आ रहा है। और आप देखिए जहाँ तक है, राहुल गांधी जीतेंगे, स्मृति ईरानी हारेंगे। आप देख लीजिए स्मृति जी को, राहुल जी कहाँ? हाँ, राहुल गांधी जीत रहे हैं। स्मृति जी का जो है वो काफिला जो है वो होता था तो सिलेंडर लेके बैठती थी, आज कहाँ गए? आप दिखाइए तो, आइए थोड़ा हम देखते हैं।
आइए दिखाइए जो है स्मृति जी यहाँ पे नजर आ रही है, अमेठी में हम मौजूद हैं और ये देखिए जनता जो है कितना प्यार दिखा रही है, इनके कार्यकर्ता हैं जो इनको तो ये जो स्मृति जी हैं वो आप देख रहे होंगे लगातार जो है अपने ग्राउंड पर जनता के बीच में हैं और लोग जो है दौड़ा मार रही हैं मेठी क्षेत्र में। बहुत विकास का काम किया है। तैयारी कैसी है? अगर कार्यकर्ता सब बूथ बूथ पे खड़े हैं राहुल जी आ रहे मैम लड़ने यहाँ से, राहुल जी आ रहे मैम लड़ने, आपको बताया उन्होंने? मतलब अभी हम क्योंकि ग्राउंड पे आए हैं तो उनके पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि राहुल जी पर्चा भरेंगे 26 को। देखिए अमेठी के तरफ उनका सौतेला व्यवहार इसी से प्रतिबिंबित होता है कि उनकी पहली चॉइस वायनाड है। अमेठी से सौतेला दोबारा वही तो कह रहे राहुल जी अगर आते हैं तो कुछ कठिनाई बढ़ सकती है आपके लिए? देखिए ऐसा है, ये वोट मोदी का है, जनता को पता है योगी की सरकार है और मोदी की आने वाली है और अमेठी की जनता विशेष उसको नहीं स्वीकार करेगी जिसने अमेठी को त्यागा और वायनाड में जाके अमेठी को अपमानित भी किया। जब डीके शिवकुमार ने ये कहा कि राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि अमेठी के लोगों से ज्यादा वफादार वायनाड के लोग हैं, तो आपको लगता है अमेठी की जनता राहुल गांधी द्वारा कहे गए इन अपमान के शब्दों को स्वीकार करेगी? और उनका अमेठी से पहले अपना टिकट ना घोषित करना ही उनकी हार का सबसे बड़ा संकेत है। तो लोकतंत्र में उनका ये अधिकार है, वो या उनके परिवार का कोई भी यहाँ आना चाहे। बेरोजगारी एक मुद्दा तो बन रहा है इस बार, यूथ जो है। आज मैं आपको बता दूं, अमेठी में 400,000 लोगों का बैंक के खाते का डिटेल है जिनको गत 5 वर्षों में 7,800 करोड़ का लोन मिला है। यहाँ पे हमारा NPA 2% है। अब जो लोन लिया उसको सर्विस किया, मतलब लोगों ने कृषि लघु उद्योग के लिए लोन लिया बैंक से, तो अमेठी का नागरिक झूठ नहीं बोलेगा। आज यहाँ पर 1,00,000 लोग ऐसे हैं और 6,000 उद्यम तो हमारे पोर्टल पे सरकार पे रजिस्टर्ड होके यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। कोका कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री साउथ एशिया की अमेठी में है इन 5 सालों में। इबिस जो सबसे बड़ी पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक की फैक्ट्री है पूरे उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ अमेठी तिलोई में लगी है। तो आए, एक एक चीज़ का उनसे हिसाब भी मांगा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं 5 साल में इतना काम कर सकती थी तो वो 15 साल यहाँ लीग पे भी कुछ बोलेंगे क्या? मैं दोबारा कह रही हूँ, ज़्यादा नाराज है वो। यहाँ पे स्वागत है आप और कई आप जैसे लोग आए हैं जो विशेषता कांग्रेस के सहयोग में या कांग्रेस के समर्थन में। मैम जब कोई सवाल करता है तो कांग्रेस नहीं, 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 मैं तो आपको एक एक जवाब दे रही हूँ। आप देखिए अगर 5 साल में मैं 1,14,000 घर बनवा पाई तो राहुल गांधी अपने रिकॉर्ड में बता दे 15 साल में उन्होंने यहाँ कितने घर बनवाए। आज अगर मैं डंके की चोट पर एक एक घर आपको गिनवा सकती हूँ जहाँ पर 4,00,000 शौचालय बने हैं, प्रश्न उठता है 15 साल में उन्होंने कितने शौचालय बनाए। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के नाम पर राहुल गांधी ने अपनी फाउंडेशन में खुद जमीन हड़प ली 30 एकड़ मुंशीगंज में। वो झुटला नहीं सकते, हस्ताक्षर है उनकी फाउंडेशन के 600 रुपए में। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया है, हमने यहाँ पे ITIs बनवाए हैं। यहाँ पर राजीव गांधी के नाम पर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन का 2 बार उन्होंने शिलान्यास किया, लेकिन मोदी ने 433 करोड़ रुपया दिया यहाँ पर इस पूरे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। तो आप क्यों उनके पक्ष से झगड़ा कर रहे हैं? उनको आने दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि हम जब मैंने कहा जब हम यहाँ अमेठी में मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप जनता साइड से क्यों बात कर रहे हैं? पर सारे यूथ सब कार्यकर्ता छोड़कर बाकी लोग भी खड़े हैं तो आज वो ठीक है वो आप उनके कैमरा ऐसा है मैडम आए, अगर इतना दम था तो पहले ही घोषित कर देते ना, छुप कर क्यों आ रहे हैं? ठीक है, आप कह रही हैं कि पर्चा भरने में देरी का कारण जो है वो स्मृति जी हैं, स्मृति जी की वजह से ऐसा है। पर्चा देरी से भरने का कारण मोदी है। अच्छा। ये मोदी का खौफ था जो वायनाड भागे। अब मोदी जी ने कल स्वयं कहा ना वहाँ पर भी हारने की कगार पर है, तो वापस यहाँ आएंगे पलटकर हिसाब लिया जाएगा राहुल गांधी से 15 साल लापता होने का, 15 साल की नाकामी का और अमेठी का अपमान जाकर वायनाड में करने का। उनको आने बहुत अच्छा लगा मैम आपने समझ दिया, पर एक चीज आपको मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा मैडम। सवाल जो है मम्मी मैम जो है वो हर बार नहीं है कि कांग्रेस प्रचार में हूँ, मैं आपको जानती नहीं हूँ ना, आपके चैनल को कभी मैंने देखा है ना, मुझे पता है आपका जो मीडिया हाउस है वो कहाँ पे है, कैसे फंक्शनल है। गोरखपुर में फिर भी
दोबारा कहती हूँ, योगी जी के गढ़ में है, उसका स्वागत है, लेकिन मैं आपको जानती नहीं हूँ, फिर भी मैं अपने पूरे प्रचार में यहाँ पर रुकी हूँ, दो मिनट आपसे बात कहा, बहुत अच्छा लगा, मैम आपने समय दिया। हाँ तो अब मुझे आप जाने दें। जी मैम बहुत धन्यवाद, चली गई, ये तमाशा मुझे नहीं चाहिए। तो स्मृति जी थी जिन्होंने अपने काफिले को रोक कर, जो इशू ये है कि क्या आप राहुल गांधी का ऐसे इंटरव्यू ले पाएंगी, देखते हैं। मैम जो है वो एक पक्का कर दूंगी, वो आपको समय नहीं देंगे, क्योंकि जब आप ये सवाल उनसे करेंगी कि 15 साल यहाँ क्या काम किया खुद, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी खुली चुनौती, आप एक काम करिए, एक काम, मौका ही नहीं देंगे आप, लेकिन आज मैं खुली चुनौती देती हूँ, चैनल वो चुने मैं आने को तैयार हूँ। क्या बात है, और बात खुली चुनौती, हिम्मत है खानदान में से कोई भी हो, चैनल वो चुने आए, और मैं एक एक चीज जो बोलूंगी या उनके सवालों का जवाब दूंगी। विषय ये है, क्या उनमें इतना दम है? नहीं है मैडम। स्मृति जी ने राहुल जी को खुली चुनौती देकर ये कहा कि मुद्दे पर बात करना हो तो प्लेटफॉर्म वो तय करें। स्मृति जी जो है वो पहुंचेंगी और सवालों का जवाब अगर राहुल जी सामना कर पाए तो वहाँ ये काफिला आप देखिए लगातार जो है वो गाड़ियों का आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक जनसंपर्क जो है स्मृति जी का दिख रहा है। बहुत ठोक के जवाब नहीं, मजा आ गया। संसद की मीटिंग में डेढ़ घंटा बोलती हैं, चाहे जो क्वेश्चन करिए अपने मंत्रालय का सारा आंसर का क्वेश्चन का उत्तर स्मृति ईरानी जी संसद में देती हैं। डेढ़ घंटा जब संसद की कार्यवाही चलती है तो आप लोग टेलीविजन पर देखिए कितना अच्छा भाषण हर मुद्दे पर हाँ देती हैं स्मृति ईरानी, लगता है कोई इस तरह थोड़ा। बिल्कुल भाई, लोग कहते हैं जब मणिपुर की बात होती है तो घूम घाम के अमेठी पे आ जाती है। मणिपुर से क्या मतलब, मणिपुर तो शासन चल रहा है वहाँ सेंटर का, महिला विकास मंत्री है भाई देश की, महिलाओं के बारे में बात, महिला के बारे में बोला कि जो भी हुआ गलत है, प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है कानून के अंतर्गत, सारे लोग घसीटे जाएंगे जितने अराजक तत्व है और सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई भी ऐसा दोषी आदमी नहीं बचेगा जो संविधान की कानून की धारा से जेल के अंदर सलाखों के पीछे न कर दिया जाए। आप जान लीजिए जितना भ्रष्टाचारी है थे हर पार्टी के, सब भैया अभी कहां थे भैया, सारे बीजेपी, बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है, वो धुलाई कर रही है, जितने अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारी नेता थे सब बीजेपी ले रही है, वॉशिंग मशीन बनके उनको धुलाई कर रही है। इस समय पीडीए जीत रही है पूर्वांचल, कहां से, कहां, यूपी से, यूपी से 80-80 बीजेपी हार रही है और गठबंधन इंडिया गठबंधन भी जीत जाएगी, गोरखपुर भी जीत जाएगी, अयोध्या भी जीत जाएगी, गोरखपुर इसके पहले हारे थे नहीं हारे थे आप बताइए, गठबंधन वाले हैं ये 2024 के बाद में सब टिकट कटा के कोई विदेश भाग, आप बताइए इसके पहले गोरखपुर फूलपुर हारी थी कि नहीं हारी थी बीजेपी सरकार जो है 5 किलो राशन देकर सभी जनता को भी कहां थी जब आई थी, कर रहे हैं अरे यार वही तो बोला था आप खड़े थे कहां, जेल का डर है क्या, नहीं नहीं शासन शासन जेल का डर है, ये बीजेपी में जो बीजेपी का जितने भी शासन ये है राशन शासन सीबीआई, उनका काम क्या है सीबीआई भेजना, ईडी भेजना, कोई भी विपक्ष का नेता ना बचे, सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, जेल में डाल देंगे, जिससे आई थी दीदी क्यों नहीं पूछे, अरे उनसे ये लोग पूछिए, ये लोग ढूंढेंगे, ये लोग बताइए, मेला जब खत्म हो जाता है तब दुकान पूछते कितनी दुकान, ये लोग बताइए 70 साल की आजादी हो गई भारत 47 से लेकर 2024 तक रुपए की चीनी काटते रही है इंदिरा गांधी ने, ये लोग पूछो ना 13 रुपए की चीनी कब दे रहे हैं, ये लोग नहीं पूछे 13 रुपए, ये नहीं पूछेंगे, लुका जाएंगे सरकार, ये उन्हीं पार्टी में जो नाम बढ़ता था तब ये स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर खड़ी रहती थी, अब 1100 में हो गया है, अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप बताइए, जितना सिलेंडर चाहते हैं एक दिन में आपको 9 सिलेंडर मिलेगा, सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वीरप्पा मोली सेंट्रल में पेट्रोलियम मंत्रालय था, कहा गया 6 सिलेंडर दे दिए, एक हफ्ता तक कहा मैं 6 सिलेंडर नहीं दे पाऊंगा, फिर राजी हुआ, आज आपको एनी टाइम 9 सिलेंडर 12 सिलेंडर ले सकती है, इसी समय लिया जाता 1 किलोमीटर लाइन लगती थी, शाम को मिलता था कोई सरकार नहीं है, लेकिन आप बताइए 500 आप लोग सफा हो गए, सफा हो गए,
रोजगारी पे बात ये नहीं करेंगे, रोजगार पे ये बात नहीं करेंगे। ये बता रहे हैं ये कांग्रेस ने साथ जो है कांग्रेस जमाने का है, इसका जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जमीन देने वाले अखिलेश यादव सरकार के, वो प्रस्ताव भेजने वाले गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं। विद्यालय बना हुआ है तब जाके बना हुआ है। 2014 में जैसे दो बैलों की जोड़ी थी, उन्होंने भी विकास है। ये जितना भी विकास है, सपा सरकार की सड़क बनाई हुई है, सारा विकास अमेठी विधानसभा में सारा विकास किए, जितना ये सड़क भी नहीं दिखाई दे रहा है। सपा टीम ने सारा विकास का पैसा खा के जेल चले गए, सारा विकास का पैसा खा गए। अभी आई थी स्मृति दीदी, तू नहीं पूछा तेरे बच्चे आए नहीं, तो आप देखे थे, अब आ रहे हैं। बताइए आपसे हम पूछ रहे हैं, 13 रुपए चीनी बोल के गई थी, 13 रुपए में चीनी दी है, आप बताइए तब फिर कैसे हम माने। सिलेंडर जब आपको भी जमा, आप भी देखते होंगे, आप न्यूज चैनल से हैं, न्यूज चैनल से हैं। जब कांग्रेस सरकार थी तो माननीय स्मृति ईरानी जी का गैस का विरोध किए थे कि नहीं किए थे? की थी। अब 900 में हो गया, जहाँ 600-500 में मिलता था, पहले मिलता नहीं था ना, जहाँ 600 रुपए था उसमें 150 रुपए दिहाड़ी थी, आज 400 रुपए दिहाड़ी है, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, दिहाड़ी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं भैया, आमदनी बढ़ गई, आमदनी बढ़ गई। प्राइमरी के अध्यापक को 350 रुपया मिलता था, प्राइमरी के हेडमास्टर को 80,000 बैंक पेमेंट हो रहा है। काश्तकार 150 रुपए मादी पाते थे, लेकिन आज जो है 400 रुपए 600 रुपए मादी मिलते हैं हमको। सिलेंडर महंगा होगा तो क्या दिक्कत हो गई है? पैसा भी बढ़ गया है, उस हिसाब से सम्मानित मिल रहा है साल भर में 1,000 के दे रहे हैं। ये बाबा के सार जो घूम रहे हैं, बाबा के सार, ये बाबा के सार जो घूम रहे हैं, इनकी क्या व्यवस्था है? सरकारी सरकारी अनाज बिक रहा है, कहां चला गया बाबा के सरकार में? बाबा के सरकार में सब बिल में घुस गए हैं। कांग्रेस लूटने को नहीं पा रही, इसलिए परेशान है, क्योंकि इतना दिन बहुत लूटा, देश को बर्बाद कर दिया। आने वाले समय में इनके पास खाता ही नहीं रहेगा। सेल बेच दिए, ये सारा बेच दे रहे हैं। आप बताओ सार से कितनी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितनी घटनाएं हो रही है, उनको क्या मिल रहा है? भाई क्यों छोड़ रहे हो सार, तो क्यों आप बंद हो नहीं रहे हैं? आप तो कहते हो हम इनकी व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? हत्या नहीं होनी चाहिए, सार छोड़ दे रहे हैं और बाद में चिल्लाते मोदी योगी छोड़ रहे हैं, उनकी क्या गलती है? सांड अपना छोड़ रहे हैं, खिला नहीं पा रहे हैं, बाप मातारू को भैया दे रहे हैं, क्या करेंगे सपा और कांग्रेस वाले? ये नाश कर दे रहे हैं। इससे पहले बेवफाएं जो होती हैं, वादाएं वादा करते हैं वफा करने की, वैसे भाजपा सरकार करती है। पहले कहती है 18 रुपए में चीनी हम देंगे, लेकिन जब वोट मिल जाने के बाद, जीतने के बाद पहला छोड़ के भाग जाती है। आमदनी दुगनी हो रही है तो महंगा खरीदे, गुटके की दुकान खोल लिए हैं हम, पढ़ते पढ़ते आमदनी कहाँ, आमदनी कहाँ दोगुनी होगी? गुटका बेच रहे हो, वो देखिए तुम्हारी दुकान है वहाँ पे, गलत बात है, गुटका नहीं तो क्या बेचे? बताइए पकौड़ा, पकौड़े में पूंजी ज्यादा लगती है, आप बताइए। वो कील है, वकालत करते हैं भैया, रजिस्ट्रेशन है, आप बताइए हमें, बताइए। 15 लाख आया, जुमलेबाजी किए थे सर, मोदी सरकार 2014 में आई थी तो बोले थे कि पूरा काला धन विदेश से हम ला लेंगे, 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, आया किसी के खाते में? 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए, रोजगार पे बोली तो दीदी, रोजगार दिए बोली ना, आया वो, हम तो सब समझ रही है, दीदी ने बोला ऐसी सपाई है, बताते हैं दीदी के जाने के बाद बोलेंगे, उनके सामने नहीं बोलेंगे, ये बताएगा। उन्होंने बताया 4 लाख जो है, बोलिए क्या, 4 लाख खाते खुले, उसमें बैंक लोन दिया गया, तो लोग 4 लाख में 15-15 लाख आ गई, लोन दिया गया, 4 लाख जो खाते खुले उसमें 15-15 लाख आ गई, आ गई ना, 15-15 लाख लोग पा गए। अरे ये हम कहेंगे कि 4 जून को पूर्ण बहुमत से एनडीए, इंडिया की गठबंधन पीडीए और कांग्रेस सरकार बन रही है, और अमेठी से राहुल गांधी जीत रहे हैं, 4 जून को। पर्चा क्यों नहीं भर रहे? पर्चा क्यों नहीं भर रहे? डेट खत्म हो गई, डेट खत्म हो गई, डेट खत्म हो गई, डर है राहुल गांधी जीतेंगे, और भाग गए विदेश, जब से भाग गए यहाँ से अमेठी से। पूर्व मुख्यमंत्री जी टोटी खोल ले गए, तब से जो है जनता नाराज हो गई, अब उनको कभी नहीं लाएगी मैदान में।
इसी तरीके से राहुल जी भैया है, पप्पू और दोनों बैलों की जोड़ी इस समय बनी हुई है, धराशाही कर देंगे पूरा उत्तर प्रदेश। पप्पू जी कहते हैं बीजेपी की, राहुल गांधी कहते हैं वो सोना पैदा करो, इनका उनको इतना ज्ञान ही नहीं है, क्या राजनीति करेंगी। कौन? राहुल गांधी कहते हैं आलू डालो एक तरफ से, दूसरी तरफ सोना नहीं करेगा। बयान है चाचा आपको, राहुल जी का है, राहुल जी का बयान है। तो जब उनको ये नहीं पता है कि आलू कैसे बोया, एक किसान के पास गए बताया कि बताइए गन्ने में गुड़ कहाँ फरता है, अब उनको ये नहीं पता है कि गुड़ कैसे होता है, तो क्या यहाँ जो है देश में जो है देख सकते हैं जनता को। तो अमेठी में क्या होगा बदलाव? अमेठी में कुछ नहीं, अमेठी में बदलाव होगा, राहुल गांधी जीत रहे 4 लाख से, अमेठी से खत्म हो गए, एक वोट भी नहीं पाएंगे, यही दो चार है कांग्रेसी और सपाई, दो चार दीदी जीत आई और टक्कर में कोई है नहीं, उनको पता चलेगा सब चक्कर में। नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे हम, तो नहीं आप सीधे बटन दबाएंगे, बोलेंगे नहीं सीधे बटन दबाएंगे। नहीं है टुकड़े गैंग है जो चाहती है पूरे देश में राज करना चाहती है, दंगा फसाद कराना चाहती है, लेकिन योगी मोदी के राज में ऐसा सफल नहीं होने पाएंगे कभी भी। 2024 जानवर जो है खेती के लिए बहुत नुकसान है, आज अमेठी के अंदर कितना अरहर चना मटर होता था, अभी कितना है बता दीजिए। अभी भैया बोलेंगे जानवर हम आप छोड़ रहे हैं, अरे हम ही आप छोड़ रहे हैं जानवर, पड़ोसी को, पड़ोसी को कह देंगे तुम्हारा बछुआ छूटा, पड़ोसी मार करने लगेगा, पड़ोसी नहीं कह सकेंगे।